Hello and welcome. This is Rithik from Ace the Clad, and this video is a video solution to sample paper 4, the fourth set of sorry, sample paper 1, the fourth set of critical reasoning or logical reasoning. This video is part of a series called Ace the Clad's Gold membership program available to everyone. You can know more about this program at ace the clad in slash gold. Okay, let's get started with the passage straight away. Research has now found so this is the passage. Five questions are attached to this passage as well. Alright. It says that research has found that the key to a long life lies not in medicine but in museums. Okay. This is the sort of claim that the author is making over here, right? That research hai, research hai, it is trying to you know discredit a past perception ki research says that a long life the key to a long life lies not in medicine but in museums okay so ye ek se claim hai first sentence right the second sentence the subsequent sentence says that a study conducted by researchers at the university college london सेज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एग्जामिनेशन ऑफ सैम्पल ऑफ सिक्स थाउजेंड अडल इन दू यू के एज्ड फिफ्टी ईयर एंड अब दैट फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द म्यूजियम एंड साइट्स ऑफ आर्ट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोलोंगिंग लाइफ ओके द वर्ड कैन शुड बी नोटेड डाउन और शुड बी लुकड आफ्टर ठीक है ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है बस हाँ कि ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ देर इज अ पॉसिबिलिटी और प्रॉबिलिटी ओके ठीक है एंड सिंस ये स्टडी है राइट इट इज़ अ प्रमाइस एज वेल है कि नहीं विच इन अ वे सपोर्ट्स दिस क्लेम राइट द द सेंटेंस सेंटेंसेज दैट द फाइंडिंग्स कॉम्प्लीमेंट अर्लियर रिसर्च सो एक पहले भी रिसर्च की गई है एंड दैट आर्ग्यूड

it seems that investments in creative pursuits seems apparent ये तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए right it seems that investments in creative pursuits watching appreciating or critiquing art could have therapeutic consequences for cognitive ability again could have so यहाँ पे कुछ भी देख रहे हो ना तुम कुछ भी फैक्ट पे बात नहीं हो रही है ओपिनियन एक तरह से दिया जा रहा है इट वुड बी अनवाइज टू स्कॉफ एट दिस इन्फरेज द ऑथर सेज कि इसको इस इन्फ्रेंस को मॉक करना दैट वुड भी अनवाइज फॉर डेटा सीम टू बेयर आउट द हाइपोथिसिस सो हाइपोथिसिस इज अ क्लेम और अ थियोरी दैट हैज़ नॉट बीन प्रूवड यट ठीक है फॉर यहाँ पे जो है ना इट इज़ प्लेइंग द सेम रोल एज दैट ऑफ विकॉज फॉर और विकॉज यहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं राइट बिकॉज का ही यू नो डिग्री थोड़ा आप कम कर दो तो फॉर वर्ड आता है ओके द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन द यू के सो फॉर डेटा सीम टू बियर आउट द हाइपोथिस ये डेटा जो है वो सपोर्ट कर रही है एंड वॉट इज दैट डेटा दैट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ एट बर्थ इन द यू के इज़ नियरली एटी ईयर्स फॉर मैन एंड ऑलमोस्ट एटी थ्री फॉर वेमेन while the corresponding figures for india are 67.8 and 70.4 okay so birth uh, life expectancy at birth is superior in uk in comparison to india Ye data hai. okay this difference can be attributed to the, to the fact that a lot many people visit the uk's museums which are stupendous repositories of not just part, not just a part बस पास्ट बट ऑल्सो कल्चर ओके तो ये था हमारा पैसेज राइट right? कि लास्ट में यही वो लगे जो डिफरेंस है ना दिस कैन भी एट्रीब्यूटेड अकेन कैन भी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट अलाट मनी पीपल विजिट द यूकेज म्यूजियम्स विच आर स्टेंडेंस ऑफ विच आर स्टेंडेंस डिपोजिटरीज ऑफ नॉट जस्ट द पास्ट बट ऑल्सो कल्चर ठीक है द क्वेश्चन the first question states that if the author's arguments in the passage above are true, which of the following must also be true? okay, so a, assumption question, right? but or technical word, technical way may say entailment, jata hai. okay, entailment. so if it says that if the author's arguments in the passage above are true, kitna true, as much as अज्यूम की ये स्टोन्ड है यानी पत्थर पर लिखा हुआ है ओके इफ द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू इन द पैसेज विच आर द फॉलोइंग मस्ट ऑल्सो बी ट्रू क्या बिल्कुल सही होना चाहिए और राइट ऑप्शन ए कंट्रीज कैन अगेन कैन इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द सिटीजन बाय बिल्डिंग मोर एग्जीबिशन गैलरीज एंड ऑपरा हाउसेस ओके दिस इज इनफैक्ट करेक्ट ठीक है ओपेरा एग्जीबिशन की यहाँ पे बात करी गई है बट ये जो रिसर्च का ऑथर ने मेन क्लेम था यहाँ पे कि रिसर्च से ये पता करा गया है कि द की टू अ लॉन्ग लाइफ लाइज नॉट इन मेडिसिन बट इन म्यूजियम्स एंड उसने इस क्लेम को ठीक ठाक तरीके से सपोर्ट भी किया right? राइट दो रिसर्च स्टडी है एक डेटा भी है राइट एंड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एंड प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट्स इज़ कैन इंक्रीज द लाइफ स्पैन और ये मस्ट बी ट्रू है ओके okay? सो so, जैसे मैंने बताया पैसेज पढ़ते हुए कि ये सब कैन ओपिनियन बेस्ड या इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेज है ये पूरी तरह से ओके okay? इसमें ऑथर ने कुछ रिसर्च स्टडी डेटा प्रेजेंट किया है और उससे इन्फर किया है क्या किया है और यहाँ पे भी वही है कि कंट्रीज़ कैन इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द सिटीजन बाय बिल्डिंग मोर एग्जीबिशन गैलरीज एंड ओपेरा हाउसेज ओके इसको एक निगेट करने का तरीका uh, चेक करने का तरीका इज टू निगेट दिस दिस द ऑप्शन इफ वी से दैट कंट्रीज कैन नॉट इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ दिटीजन बाई बिल्डिंग मोर एग्जीबिशन गैलरीज एंड ऑफर हाउसेज देन द यू नो पैसेज का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ओके okay? पैसेज का जो मेन क्लेम है वो ही आपने यहाँ पे छोटा उसका बेस ही छीन लिया तो पैसेज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ठीक है आई होप दिस इज क्लियर B says countries can increase the lifespan of their citizens by prohibiting smoking. Really? Smoking की तो बात ही नहीं की है। सीधा incorrect. Regular exercise greatly, again exercise की भी बात नहीं की है. Greatly increases lifespan. और more so ये एक sort of एक fact based statement है, right? और author ने facts का या फिर data का इस्तेमाल करके inference निकाला है. तो ये मस्ट बी टू तो हो ही नहीं सकता ठीक है एंड दी ईटिंग फ्रूट्स डेली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लाओगे समझ में आ जाएगा बी क्वेश्चन नंबर टू से विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट वीकेंड्स दी ऑथर्स कंक्लूजन ठीक है ऑथर का कंक्लूजन क्या था रिसर्च के से ये पाया गया है कि द की टू अ लॉन्ग लाइफ इज़ नॉट इन मेडिसिन बट इन म्यूज़ियम्स ओके ठीक है ए सेज इंडियंस इंडियन प्रेफर टू स्पेंड मनी ऑन गोइंग टू रेस्टोर दैन रादर दैन म्यूजियम्स ओके तो ये कहीं से भी वीकेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे तुम देखो अगर तो ये जो कंक्लूजन है ये यहाँ की बात कर रही है कर रहा है और क्वेश्चन पे क्वेश्चन सेटर इस पार्ट की कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज इज़ इन यू के इज मोर दैन दैट ऑफ इंडिया एंड दैट डिफरेंस इज़ can be attributed to the fact that a lot many people in the UK visit the UK's museums, ठीक है। B says India has more museums than exhibition galleries. Again, not correct, because ये important ही कितना है आपके पास, ठीक है? ये important है कि कितना कितने लोग जाते हैं आपके museums में या exhibition galleries में। और ये तो कुछ भी बोल रहा है। मोर एग्ब म्यूज़ियम्स दैन एग्जिबिशन गैलरीज जबकि म्यूज़ियम्स एंड एग्जिबिशन गैलरीज आर ऑन द सेम बोट और दे आर सिमिलर इंस्टीट्यूट और सिमिलर प्लेसेज राइट एग्जिबिशन गैलरीज म्यूज़ियम्स बिल्कुल सिमिलर प्लेस हैं तो ये तो मतलब ही नहीं कि कौन ज़्यादा है इनमें से सी से यू के प्रोवाइड्स फ्री मेडिसिन एंड मेडिकल एडवाइस एट म्यूज़ियम्स अगेन तो आस्क योर सेल्फ कि दस डिस वीकेंड द ऑथर्स कंक्लूजन और यहाँ पे जो स्पेसिफिकली यहाँ की बात करी जा रही है कि हमें क्या है यहाँ पे एक तरह से ऑथर का कंक्लूजन इस इस जगह पे कि द डिफरेंस कैन बी एंट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट अलाट मैनी पीपल विजिट द यूकेज म्यूजियम्स ठीक है तो ये किसी भी तरह से इसको वीकेंड करने का यही तरीका है कि कोई और फैक्टर ले आओ वो जो डिफरेंस है ना ये जो डिफरेंस की बात करी गई है ऑथर ने बोला कि दिस डिफरेंस इज दो इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट और टू द फाइंडिंग दैट इंडियंस और यू पीपल इन यू के विजिट म्यूजियम्स मोर ऑफटन राइट कोई और फैक्टर आ जाए जो इस डिफरेंस को यू नो अकाउंट कर सके दैट कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस डिफरेंस वो वी कैन करेगा ठीक है ये वो काम नहीं कर रहा है डी वो काम कर रहा है दैट पीपल इन द यू के हैव एक्सेस टू बैटर एंड चीपर हेल्थ केयर दैन पीपल इन इंडिया ये जो अलग कोई फैक्टर जो वीकेंड कर सकता था वो डिरेक्टली ये फैक्टर है राइट कि पीपल इन द यू के हैव एक्सेस टू बैटर एंड चीपर हेल्थ केयर सो दे आर यू नो देर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ मोर इन यू के दैन इन इंडिया और राइट आई होप दिस इज क्लियर कोई क्वेश्चन हो आपका इस 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 मेरे एक्सप्लेन के बाद भी तो प्लीज़ पुट दैट अप

टू सपोर्ट अनदर कंक्लूजन ओके बी से इट्स सपोज द ऑथर्स कंक्लूजन ठीक है सपोर्ट्स द ऑथर्स कंक्लूजन हेज टू वाई पीपल इन द यू के हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन दैन पीपल इन इंडिया एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इस पैसेज से ही प्रॉब्लम या क्वेश्चन सेटर से ही प्रॉब्लम है क्वेश्चन क्वेश्चन से इन द सेंस कि इन द सेंस कि ये बार बार ना कंक्लूजन इसको बता रहा है राइट ये बट बट द फैक्ट इज दैट इट इज़ यूज एज अ पीस ऑफ एविडेंस राइट एनी वे वो तो मैं मतलब मेरा ओपिनियन यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करेगा कंसोल्टियम के सामने ठीक uh, है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन ओनली बिकॉज इट्स सपोर्ट द ऑथर्स कंक्लूजन एज टू वाई पीपल इन द यू के इट्स इज दैट इट्स सपोर्स द ऑथर्स कंक्लूजन एज टू वाई पीपल इन द यू के हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन दैन पीपल इन इंडिया ठीक है ये बात तो सही है यार ये बात तो कोई डिनाई नहीं करेगा राइट right? ये बात तो बिल्कुल सही है बी तो सही है ठीक है सो सी से इट कॉन्ट्राडिक्स द क्लेम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करा भाई इट इट इज़ यूज टू सपोर्ट द क्लेम डी ऑल्सो से इज दैट इट सपोर्ट्स द फाइंडिंग्स ऑफ द अर्लियर रिसर्च अगेन ये तीनों जो थे ना अगर आप मोटा मोटी देखो ये क्लेम था ये रिसर्च वन था ये रिसर्च टू था और लास्ट में उन्होंने बोला कि इसका मजाक मत उड़ाओ क्योंकि डेटा भी यही कहता है राइट right? ये एक तरह से स्ट्रक्चर था इस पैसेज का और इस पूरे को बोल देंगे हम आर्ग्यूमेंट ओके okay? ये आर्ग्यूमेंट ऑथर ने दिया था ठीक है तो ये तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था ये लोग दोनों एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे ओके okay? या let's move ahead. 4.4, which of the following does not weaken the conclusions drawn by the researchers at the university college london? se tha is moment pe university college london. okay. acs data show that visiting museums frequently does not affect the lifespans of adults aged 25 and 40. aged between 25 and 40, but यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन की फाइंडिंग सिक्स थाउजेंड ऑफ पीपल एज्ड फिफ्टी एंड अबव उन पे की गई थी राइट फिफ्टी प्लस तो ट्वेंटी फाइव फोर्टी की बात नहीं कही तो दिस डज नॉट वी कैन राइट सो दिस इज यू नो इसको सेलेक्ट कर सकते हो बी डेटा शोज दैट डेटा शो दैट पीपल हो विजिट म्यूजियम्स एंड आर्ट साइट्स आर ऑल्सो बेटर एजुकेटेड क्या था कंक्लूजन उनका कि कंक्लूजन ये इन्फ्लूंस था एक तरह से कि फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द म्यूजियम एंड साइट्स ऑफ आर्ट कैन प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन प्रोलॉन्गिंग लाइफ सो यहाँ पे क्या अज्यूम करना पड़ जाएगा मैं पता है क्या कि बेटर एजुकेटेड मतलब उसको पता है प्रोलॉन्ग कैसे कर करते लाइफ को एंड दिस वुड बी अ फार फेस्ट अजम्पन ओके एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है द करेक्ट आंसर इज़ डी ओके सी होना चाहिए नहीं ठीक है ये भी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है मैं बात करता हूँ उस पर कंक्लूजन क्या बोल रहा है सिमिलरली वेदर और नॉट पीपल हु विजिट म्यूजियम्स एंड आर्ट साइट्स आर बेटर एजुकेटेड डज नॉट अफेक्ट द रिसर्चर्स कंक्लूजन्स ठीक है वही बात कर रहा है सी सही नहीं है डाइज क्योंकि सी सेज़ दैट बोथ ए एंड बी अबव वीकेंड द कंक्लूजन्स यहाँ पे क्या है डज नॉट वीक एन वी सेलेक्टेड ए एंड बी थिंकिंग दैट ए एंड बी डज नॉट वीक एंड द कंक्लूजन सो सी हम सेलेक्ट करते लेकिन जिसने ये पूरा नहीं पढ़ा राइट right? उसके तो मार्क्स ही कट जाएंगे ओके okay? सब सही होते हुए भी मतलब जानकारी होते हुए भी डी इज़ करेक्ट दैट नीडर ए नॉर बी वीकेंड द कंक्लूजन सो ये क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से पढ़ना सिर्फ इतना होता समझ लो कि बोते एन बी और ये कुछ नहीं होता नीदर ए नॉर भी ये कुछ नहीं होता तो आंसर सी होता राइट right. एक मिनट सोचो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ 4.5 पॉइंट फाइव से इस विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेज द मेन कंक्लूजन ऑफ द पैसेज अब बेस्ट एक्सप्रेसेस ठीक है बेस्ट एक्सप्रेसेस सबसे अच्छा कौन सा कंक्लूजन रहेगा ए सेज यूनिवर्सिटीज़ इन द यू के कंडक्ट और कंक्लूजन ही मेन कंक्लूजन ठीक है यूनिवर्सिटीज़ इन द यू के कंडक्ट मोर स्टडीज ऑन रीजन्स अफेक्टिंग पीपल्स लाइफ स्पैंस कुछ भी है क्योंकि ये कंक्लूजन नहीं था कंक्लूजन ये था कि रिसर्च ने ये पाया है कि फाइंड रिसर्च ने ये पाया है कि द की टू अ लॉन्ग लाइफ इज नॉट डज नॉट अलाई इन मेडिसिन बट इन म्यूज़ियम ठीक है उस तरह का ऑप्शन चाहिए हमें बी सी इज इंगेजिंग विथ कम्युनिटी आर्ट प्रोजेक्ट्स कैन हेल्प ट्रीट डिमैनशिया इज दिस कैन दिस बी इन्फर्ड यस बट इज 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 दिस द मेन कंक्लूजन नो ठीक है इंगेजिंग विथ कम्युनिटी आर्ट प्रोजेक्ट्स कैन हेल्प डिमेन्शिया प्रॉब्लली ट्रू हो सकता है प्रॉब्ली इन्फर कर सकते हैं लेकिन ये मेन कंक्लूजन नहीं हो सकता है ठीक है मेन कंक्लूजन जो मैंने कहा उसके ही आसपास होने चाहिए सी सेज़ पीपल इन द यू के हैव लॉन्गर लाइफ स्पैस बिकॉज देव विजिट म्यूज़ियम्स मोर ऑफटन यही कंक्लूजन है जैसे मैंने कहा मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन से ही लेकिन फिर भी यहाँ पर बेस्ट एक्सप्रेस तो यही कर रहा है दिस कैन नॉट बी डिनाइड ओके डी सेज़ मोर पीपल इन दू के विजिट म्यूज़ियम्स दैन इन इंडिया ये इम्पोर्टेंट नहीं था इम्पोर्टेंट ये था कि वो जो डिफरेंस जिस जिसको अट्रीब्यूट किया गया ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन सेटर के हिसाब से ठीक है ओके आई होप दिस इज क्लियर राइट इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज लीव दैट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स लाइक दिस वीडियो सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन गेट एक्सेस टू दिस वीडियो ओके थैंक यू यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय